अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करा कि तुम सारी यार दोस्तों ठीक पाठ असल पाठ। यहाँ वीडियो में करो कत कि ईद कर क्या ईद आ दहमें या कहमें। यहाँ वीडियो में गो तुम सोरी क्या क्लियर कि ईद कर अति बारस में परेशान क्या ईद अच्छा दहमें या कहमें, लेकिन तुम चुनो कुनी गसन जरूरत यह वीडियो वजो तुम एंडस तुम लगे सोरी पाने पता कि ईद कर आगर तुम ब्रोह वीडियो क्लिप प्ले, लेकिन तेरे वो तुम बस लकट रिक्वेस्ट अगर तुम चैनल पर नव चु चैनल करो सब्सक्राइब। चलो दोस्तों वो तुम गोड़ी वीडियो क्लिप तेरह करो अत बारस में मजीद कर। अब आपको बताएं पाकिस्तान में आज चांद नजर आने के कवी इम्कान हैं। शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गरूब आफ्ताब के वक्त कराची में चांद की उम्र 19 घंटे 54 मिनट होगी। चांद नजर आने का दौरानिया गरूब आफ्ताब के बाद 50 मिनट तक रहने का इम्कान है। चांद नजर आने के लिए इसकी उम्र 19 घंटे होना लाजिम है। चांद का बाजाबता ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी, जबकि दूसरी जानब सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 10 अप्रैल को होगी। और पाकिस्तान में शवाल का चांद कब नजर आएगा और ईद कब होगी, सभी को इसका इंतजार है। महकमे मौसमियात का इस बारे में क्या कहना जानते हैं मोनस अहमद। इस मरतबा रोजे 29 होंगे या 30। शवाल का चांद कब नजर आएगा और ईद उल फितर कब होगी, इस वक्त हम मेट डिपार्टमेंट के ऑफिस में मौजूद है। सर, मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही होता है इन दिनों में कि ईद कब होने जा रही है, क्या साइंस की बुनियादों पर आप हमें बता सकते हैं? प्रोवाइडेड के एटमॉस्फेरिक कंडीशन सही रहें, यानी बादल वादल ना हो और अदरवाइज पोल्यूशन और डस्ट वस्ट फिजा में इतनी ज़्यादा ना हो, तो फिर इम्कान खासा है कि चांद नज़र आ सकता है 29 रमज़ान को। कि आप कह रहे हैं 9 अप्रैल को चांद नज़र आ सकता है और 10 अप्रैल को मुतवक्क है कि ईद होगी। जी बिल्कुल मुमकिन तौर पर, लेकिन हतमी फैसला मैंने आपको बताया कि वो रोयत हिलाल ही करती है। सारे वीडियो क्लिप पुछमु तुम आज तुम्हें वन क्या बारे में क्या ईद गा दहमे या कहमें कमेंट सेक्शन में वनजो जरूर। तो चलो दोस्तों पन्न दुआन में थोजो अस याद समो अकिस नईस वीडियोस में तीस का अल्लाह हाफिज़।